वेलकम टू शेफ्स की दुनिया। आज की रेसिपी है व्हाइट चीज़ी पास्ता। चलिए देखते हैं नीडेड इंग्रेडिएंट। स्वीट कॉर्न, मैदा, बटर, चिली फ्लेक्स, ओरिगानो, ऑनियन, कैप्सिकम, गार्लिक एंड सेज़वान सॉस, सॉल्ट, पेपर पाउडर। आप जितनी क्वांटिटी में बना रहे हो उसके हिसाब से पास्ता को बॉईल करके रख देना। उसमें थोड़ा सा नमक डाल के बॉईल कर लीजिए और मेन जो है हमारी चीज़, स्लाइस चीज़ भी ले लीजिए और थोड़ा ग्रेटेड चीज़ भी ले लीजिए। एक पैन रख लीजिए, पैन थोड़ा गर्म होने के बाद उसमें हम बटर ऐड कर लेंगे। बटर और थोड़ा सा आप ऑयल भी ऐड कर लीजिए। ऑयल सिर्फ आपको छोटी वाली स्पून में एक स्पून डालना चाहिए और बटर की क्वांटिटी आपको ज़्यादा रहना चाहिए। बटर अच्छे से मेल्ट होने के बाद हम इसमें ऐड करेंगे मैदा। मैदा को आप थोड़ा थोड़ा सा ऐड करके मिक्स करते रहना, वरना आपको वो लम्स उसमें आ जाएगी। इसके लिए थोड़ा थोड़ा डाल के उसे अच्छे से मिक्स कर लेना, जैसे क्रीमी फॉर्म में, ऐसे थिकली क्रीमी जैसा हो जाएगा। उस टाइम में हम जो भी इंग्रेडिएंट निकाल के रखे वेजिटेबल्स उसे ऐड कर लेंगे। पहले आप गार्लिक ऐड कर लेना। गार्लिक ऐड करके उसे थोड़ा सा भगा लीजिए, उसकी कलर चेंज ना हो जाए, जस्ट लाइटली फ्राई करनी है। फिर कैप्सिकम एंड ऑनियन जो भी आप निकाल के रखे हो उसे भी इसमें डाल लेना। ऑनियन कैप्सिकम दोनों कम्प्लीटली ऑप्शनल है, अगर आपको चाहिए तो डाल सकते हो, नहीं तो आप प्लेन सॉस पास्ता भी कर सकते हो। इसे डालने से और भी टेस्ट एनहेंस रहेगा। अगर आपके पास है तो आप ले लीजिए। और स्वीट कॉर्न भी अगर आपके पास है तो ले लीजिए, नहीं तो सिंपली सॉस पास्ता भी आप बना सकते हो। अब इसे सब अच्छे से भगाने के बाद लाइटली उसमें हम मेन इंग्रेडिएंट जो है दूध, मिल्क ऐड कर लीजिए। फुल फैट मिल्क, कोई भी क्रीम मिल्क रहेगा उसे ऐड कर लीजिए। थोड़ा थोड़ा करके ऐड करके जो साइड में जो क्रीम जैसा फॉर्म हो जाएगा ना उसके निकाल के छोड़ दीजिए, क्योंकि उसकी टेस्ट पूरी उसमें ही रहता है। देखिए ऐसे क्रीमी और थिक सॉस बन जाएगा। उस टाइम में हम ऐड कर लेंगे सॉल्ट एंड पेपर पाउडर। ऑलरेडी हम पास्ता कुक करते वक्त सॉल्ट डाले तो ध्यान से डाल लीजिए, और चिली फ्लेक्स एंड ओरिगानो ऐड कर लीजिए। फिर हम इसमें ऐड करेंगे सेज़वान सॉस, ये कम्प्लीटली ऑप्शनल है, अगर आपके पास है तो ऐड कर लीजिए, नहीं तो स्किप कर सकते हो। जस्ट उसे हम टेस्ट को एनहेंस करने के लिए यूज़ करते हैं। से देखिए ऐसे क्रीमी फॉर्म होने के बाद हम जो चीज़ निकाल के रखे थे स्लाइस चीज़ को अब इसमें डाल लेंगे। हमें आज इसमें 2 स्लाइस चीज़ यूज़ करी थी, आपको जितनी चाहिए उसके हिसाब से आप डाल लीजिए। डाल के उसे अच्छे से मेल्ट होने तक ऐसे मिक्स कर लीजिए। देखिए सो चीज़ भी अच्छे से मेल्ट हो चुकी है, सॉसेस हमारी रेडी है। अब हम जो पास्ता कुक करके रखे उसे डायरेक्टली इसमें सारा डाल दीजिए। आप जितने हिसाब से बना रहे हैं उसके हिसाब से मिक्स पानी निकाल लीजिए। डाल के आराम से इसे मिक्स करना, वरना आपके पास मिक्स पानी भी टूट सकती है। इधर मैं मिक्स करने के बाद ऊपर से थोड़ा सा तिरन जो हम निकाल के रखे ग्रेटेड चीज इसे ऊपर से लाइटली गार्निश कर लेना। फिर हम इसे कवर करके लास्ट में डालने के लिए लो फ्लेम पर भी रखेंगे। तो उसके पहले से कवर बंद करके लो फ्लेम पर ओपन पॉट में इसे हम कुक करनी है। देखिए अभी 2 मिनट्स के लिए हम रख देंगे। आफ्टर 2 मिनट्स चलिए देखते हैं कैसी है। देखिए पूरी चीज़ सब अच्छे से मेल्ट होके देखने में ही बहुत ही टेस्टी और यम्मी लग रहा है ना, आप सबको टेम्पटिंग हो रहा है ना। सो ये पास्ता बनाना बहुत ही इजी है और घर वाली चीज़ से हम बना लेंगे आसानी से। आप लोग देख सकते हो जैसे मैं पास्ता निकाल रही हूँ वो चीज़ अच्छे से मेल्ट होके जो धागे जैसे हो रहा है ना, तो देखने में भी बहुत ही टेस्टी रहेगा और खाने में और भी मज़ा आएगा। आपके घर में ट्राई करके मुझे ज़रूर बताना है कैसी बनी थी। नेक्स्ट रेसिपी में मीट करेंगे। हैव अ गुड डे।